आईलैंड क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन को अपने देश की तरफ से खेलने का दिया ऑफर। संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज, जब भी वह भारत के लिए खेलते हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद प्रबंधन द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की जाती रही है। उन्हें 2022 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए BCCI द्वारा हटा दिया गया था और अब उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्हें पहले न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुना गया था, हालांकि उन्हें केवल एक खेल में भाग लेने का मौका मिला था। इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी संजू सैमसन ने कप्तानी में शानदार भूमिका निभाई। वहीं अब क्रिकेट इन्फॉर्मर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड क्रिकेट टीम उन्हें ऑफर कर रही है। संजू सैमसन को देश के क्रिकेट अध्यक्ष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया, जिन्होंने यह भी गारंटी दी कि संजू टीम की कप्तानी करेंगे और इसके सभी खेलों में भाग लेंगे। आयरलैंड के क्रिकेट अध्यक्ष ने कहा, अगर वह हमारी राष्ट्रीय टीम में है तो हम उसे सभी मैच खेलने देंगे। वह बहुत ही प्रभावशाली बल्लेबाज है और वह दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक है। हम उन्हें अपनी राष्ट्रीय टीम से मैच खेलने का प्रस्ताव देते हैं। हमारी टीम को उनके जैसे कप्तान और बल्लेबाज की जरूरत थी। अगर भारतीय टीम उसे नजरअंदाज कर रही है तो वह हमारे साथ जुड़ सकता है। हम उसका सम्मान करते हैं और उन्हें हर मैच खेलने का मौका देंगे, संजू ने कहा। सबसे पहले मैं इस भूमिका के लिए, मुझ पर विचार करने के लिए आयरलैंड के क्रिकेट अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपना क्रिकेट भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए शुरू किया। मैं किसी अन्य देश के लिए नहीं खेलना चाहता या किसी अन्य देश के लिए खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं आयरलैंड के क्रिकेट अध्यक्ष से माफी मांगना चाहता हूं, उन्होंने आगे कहा। हालांकि मुझे भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत अधिक मौके नहीं मिले हैं, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आत्मविश्वास रखूंगा, और कभी कभी टीम का संयोजन आपको फाइनल 11 में जगह नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दुखी हूं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में सैमसन शामिल थे, जो अच्छी बल्लेबाजी करते दिखाई दिए। पहले एक दिवसीय मैच में जो न्यू इन ब्लू हार गया, वह भारत को जीत बुलाने के करीब पहुंच गया। सैमसन के नाबाद 86 रनों में भारत को मैच जीतने के 9 रनों के भीतर लाने में योगदान दिया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए क्योंकि भारत कम पड़ गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने क्रमशः नाबाद 30 और 2 रन बनाए। भारत ने शीर्ष पर आकर सीरीज 2-1 से जीत ली। 28 वर्षीय ने हाल ही में केवल के लिए पहले 2 रणजी ट्रॉफी खेलों के लिए पंजीकरण कराया। 3 साल बाद आखिरकार वह फिर से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर भी सैमसन के श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के हुए जनवरी में भारतीय टीम में लौटने की उम्मीद है।